Thank <laughs> you. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لغدة من لساني يفقه قولي قابل احترام سامين إكرام اس پروگرام میں جو عنوان मुझे आपके सामने दिया गया है वो अभी जो भाई ने कहा कि नौजवानों के लिए जो ज़िंदगी की उम्र में गुमराहियाँ हैं उन गुमराहियों के लिए फ़हम सलफ़ यानी तरीक़ा और मनहज सलफ़ साल का क्या है उस एतबार से हम कैसे जो सो उन गुमराहियों को दूर कर सकते हैं वक्त की मुनासिबत से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके सामने कि तीन ऐसी गुमराहियाँ जो बिलखसूस उम्मत के अंदर है और ये ख़ास सिर्फ नौजवानों के लिए बोल करनी है लेकिन नौजवानों के लिए बिलखसूस ये बात यह है कि ऐसी उम्र होती है जहाँ पर उसूल इल्म और इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए राहें तलाश करने के लिए निकलता है चाहे इल्म की राहें हों या कारोबारी राहें हों पैसा कमाने की राहें हों होंज़दारी ज़िंदगी में जुड़ने की जो सौ राहें हों रिश्ते निभाने और रिश्ते जोड़ने की जो सौ रायें हों ऐसे हालात में वो जहाँ पर जो चीज़ उसे मुनासिब दिखती है बग़ैर सोचे समझे लेने की अगर कोशिश कर लेगा तो यकीन ये नुकसान उसके लिए दुनिया में भी हो सकता है कब्र का भी हो सकता है और आखिरत का भी हो सकता है इसीलिए बिलखसूस नौजवानों की अला क्या है किस उम्र से जो सो नौजवानों को अपने आप को समझना चाहिए कि हम इस दर्जे पे पहुंच गए हैं कि जहां हमें हमें होश में आ जाना चाहिए यह बातें भी इन शहम सलब से कुछ जानने की कोशिश करेंगे गुमराही अल्लाह अज्जा वजल की तरफ से उन लोगों के दिलों में डाल दी जाती है जो हिदायत से नफरत करते हैं और हिदायत क्या है अगर हिदायत का मर्तबा और हिदायत के मुकाम को अगर कोई समझना नहीं चाहता तो ये खुद उसकी गुमराही की बात है तो इसीलिए चाहिए कि जब मेरे और आपके सामने हिदायत की बात आ जाए यानी अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बात आ जाए उसे सदक़े दिल से तस्लीम कर लेना अल्लाह के नबी सल्ह वल् अहद के दिन जब शाम को पलट रहे थे उसब कराम की जमात से कहा कि एक सफ़ में जमा हो जाओ और साहब इक्राम सफ़ में जमा हो गए और अल्लाह के नबी वज़ल के करीब दुआ कर रहे थे और साहब अक्राम उस दुआ का हिस्सा बने तो आप सल्हस फरमाते अल्ला हबलिनईमान वज़िन क़ुलूबिनना एरब ईमान को हमारे करीब महबूब कर दे वज़िन फ़ी क्लूबिना हमारे दिलों को ज़ीनत अता कर दे ये तस्किन अता कर दे ये ख़ुशी अता कर दे कि तेरी दीन की बात को खुशी से तस्लीम करने वाले हम बन जाएँ दीन की बात को खुशी से तस्लीम करना ये गुमराही को अपने आप से दूर करने के लिए एक बहुत अहम जो सो जरिया है किसी भी बात को खुशी से तस्लीम करना और किसी भी अमल को ख़ुशी से बजा लाना यह इंसान की गुमराही को दूर करने के लिए ज़रूरी है जैसे अल्लाह के नबी सल्हल एक हदीत में जहाँ ज़क़़त अदा कर हुम दिया तो वहाँ ये अल्फाज भी हदीत में है कि अपनी जकवात खुशी ख़ुशी अदा करो कि अल्लाह के दीन से चिड़ते हुए नफ़रत करते हुए या एतराज़ करते हुए या कैलकुलेशन मजीद ज्यादा करते हुए जितनी हो सके बचत करने के लिए ना अमल में तुम्हारे लिए जो सो नाराज़गी होनी चाहिए ना में तुम्हारे लिए नाजगारी होनी चाहिए ना अपनी असलाह करने में अपनी बुराइयों को छोड़ने में तुम्हारी नाराजगी होनी चाहिए खुशी खुशी हिदायत की तरफ आगे बढ़ना ये हमारी जिंदगी के लिए सबसे अहम जो जरूरत है मौजूदा दौर में कई किस्म की गुमराहिया जमाने के अंदर मिलेगी लेकिन बुनियादी बातें तीन है इसके अलावा कई बुनियादी बातें हो सकती हैं लेकिन वक्त की मुनासिबत से सबसे पहली बुनियादी बात जो मेरे और आपके लिए ज़रूरी है वो ये कि हमारी इस गुमराही का हम जायज़ा लें हम समझें खुद अपनी ज़ात के लिए अपनी बीवी बच्चों के लिए अपने घर वालों के लिए अपने लिए, माशरे के लिए अपनी बस्ती वालों के लिए अपने मस्जिद वालों के लिए अपने खानदान वालों के लिए ये बात को समझना ज़रूरी है बिलखसूस नौजवान और उनमें बिलखसूस ऐसे बच्चे ऐसी नसल जो आगे बढ़कर नौजवानी से होते हुए जिंदगी को लेकर आगे बढ़ेंगे आने वाले जनरेशन बिल्कुल जरूरी यह है कि मैं और आप अभी इस गुमराही का जायजा लें कि उसूल इलम के मामले में हम यह समझ रहे हैं कि इसकी उम्र ये नहीं है जिसमें आज हम हैं बस कि इसकी उम्र कुछ और है जो हम आगे बढ़ के हासिल कर सकते यह सबसे बड़ी गुमराही आज उम्मत के अंदर माशरे के अंदर पाई जा रही है कि उसूल इल्म इल्म हासिल करने से अल्लाह ताला की जात से जल्द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मुताल और साथ ही साथ ये कि इस्लाम की तालीमत में जो हलाल हराम मामला है इनसे मुतल इल्म हासिल करने में इंतहाई गफलत आज हमारे अंदर है सिर्फ नौजवान ही नहीं ना नौजवानों को अपनी फिक्र है ना बच्चों के लिए वालदेन की फिक्र है जो नौजवानी की उम्र पार करके शायद अपने आप को 45 50 में ले जाके समझ रहे हैं उम्र के उस हिस्से में चले गए ना उनको फिक्र है ना साठ और सत्तर में जो जिंदगी गुजार के आगे बढ़ते चले रहे अपनी शायद मौत की तरफ में ऐसे लोगों की भी इस बात का एहसास अभी तक भी कम है कि उसूल इल्म कब होना है कैसा होना है किससे होना है कितना होना है किन किन उम्र में होना है किन किन मामला में होना है ये आज गुमराही कौन के अंदर है ओवरऑल अब अगर आप पिक्चर देखेंगे इंतहाई मिजाज में बेगीरत बना यानी एहसास मर गया फिक्र मर गई जो कैफियत होनी चाहिए उसूल इल्म के लिए मेरे और आपकी अपनी जात के लिए बीवी बच्चों के लिए माशरे के लिए बस्ती वालों के लिए वो फिक्र नहीं है और यही गुमराही आज उम्मत को मजीद गुमराही बनाते चले जा रही है इल्म नहीं है इल्म नहीं होने की वजह से जो सो जिस तरह जो दिख रहा वो ले, ले रहे आज उम्मत का मिजाज एक तबके का ये होगा कॉमन मसलक। कॉमन मसलक क्या है दाढ़ी छोड़ने के मामले में वो जमात का मसला अच्छा दिख रहा ढीला ढाला क्या है भाई चालीस कदम दूर से भी दाढ़ी दिख गई तो बस उतना साइज काफी है वेलकम ले लो फिर दूसरा मसला कोई बोरा के बैठ जाइ पेंट तकने के नीचे तकबर तो नहीं ना अपने को तकबर है क्या नहीं नहीं है छोड़ लो इनकी बात भी अच्छी दिख रही है नहीं फिर अब दूसरे मसाइल में हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो आप कुछ जो नहीं रह सकते लिहाजा क्या करना यहां पर सूद खा सकते सेविंग अकाउंट का खाओ वेलकम फिक्स डिपॉजिट का खाओ वेलकम मित्तियों का खाओ वेलकम चिट्ठी का खाओ वेलकम मेहनत कर रहे ना भाई पेट्रोल लग रहा ना भाई तो जिधर से जो चीज मिल रही वो ले ले के आज उम्मत के नौजवानों का बिलखसूस और उम्मत के बड़े तबके का जिसमें नौजवान बड़े सब मिले हुए कॉमन मसलक बन गया कॉमन मसलक क्या है जो मुनासिब दिख रहा डालते जाओ जो दिख रहा डालते जाओ अरे शादी में इतना बड़ा केकू इतना जोसो आप जो खर्चा केकूक कर रही भाई हैसो वाला खिलाना नहीं है क्या बोलो वलीमा माने खिलाए एक से एक फतवे देने वाले उम्मत के अंदर ऐसा पैदा हो गए बगैर इल्म के बगैर तहकीक के बगैर जो सोमाकर की रहनुमाई के इल्म पहुंचाने के वास्ते तो जबान चल रही लेकिन इल्म सीखने के वास्ते ना दिमाग चल रहा ना जो सो जुबान चल रही ना कानों को चलाया जा रहा है इल्म का से इल्म हासिल करने के लिए और यही गुमराही मजीद गुमराही का सबब बनते जा रही उम्मत के अंदर अल्लाह ताला के बारे में क्या मालूम अब यही अगर पूछ लेंगे तो कहीं ऐसे बोलेंगे अल्लाह अर्ज पे है कहीं ऐसे बोलेंगे अल्लाह हर जगह है ये अल्लाह की जात का तारुफ आज हमारे अंदर बराबर से नहीं है अल्लाह के नबी नबीरम की जिंदगी के बारे में क्या है हमको कितना जानते हैं आप अलैहि वसल्लम के बारे में उठते बैठते चलते फिरते दीन सीखने का मतलब यह है नबी नबीरम की जिंदगी जानना मस्जिद में आने पे आपका तरीका क्या था मस्जिद में बैठने से पहले आपका तरीका क्या था खुदबा देते वक्त आपका तरीका क्या था नमाज में आपका तरीका क्या था हमाम में जाने आपका तरीका क्या था हमाम में पेशाब करते वक्त आपका तरीका क्या था तहारत का आपका तरीका क्या था हमाम से निकलते वक्त आपका तरीका क्या था खाना खाने से पहले आपका तरीका था तरी खा? क्या खाना खाने के दौरान आपका तरीका क्या था खाने के बाद आपका तरीका क्या था खाने में आपका तरीका क्या था खाने में किन चीजों को लेते थे कौन सी चीजों को हराम थी कौन सी चीजों को हलाल समझते थे ये जब जिंदगी के मामला जानेंगे तो क्या जान रहे हैं आप म व सुन्न व सुन्नस्म इस्लाम जानना मतलब अल्लाह के नबी वसलम की जिंदगी जानना और अल्लाह के नबी वम की जिंदगी जो जान रहा इस्लाम वही जान रहा फिर तो उसूल इल्म जब तक हमारे पास नहीं है अल्लाह की ज़ात और शिफात का इलम अल्लाह के नबी सल व्लम की ज़िंदगी का इलम और साथ ही साथ इस्लाम की तालीमत क्या अहकाम हैं क्या जो सो चीज़ें हला लें क्या चीज़ें हराम कर दी गई इस्लाम का जो सो ज़िंदगी में हमारे दिए जाने का मकसद क्या है इन तमाम चीजों में उमूमी तौर पे हिम्मत के अंदर इतनी लापरवाही आ गई ये लापरवाही को आज हम नहीं समझ रहे ये हमारी एक मजीद और एक गुमराही हो गई कि उसूल इलम नहीं सीखने को बड़ा इतमान में जुमे के खुतबे में अगर हम कुछ सीख ले रहे हैं तो बहुत बहुत भारी चीज हो गई हफ्तावारी इस्तेमाल तो बहुत कम हो रही है कहीं भी हैदराबाद के अंदर इलाकों अंदर यहां अभी भी, भी अलहमदुल्ला चल बरकत दे अब इसमें भी आके अगर सीख ले रहे हो तो बहुत बड़ी बात हो गई लेकिन जिंदगी के अंदर जिस तरह जिसम के लिए गजा जरूरी है इंसान के ईमान की ताजगी के लिए इल्म जरूरी है इंसान के मुसलमान के जो सो ईमान के अंदर बरकत ईमान के अंदर इजाफे के लिए अमल में कंटिन्यूटी के लिए इल्म जरूरी है खुद अपने लिए अपनी औलाद के लिए बीवी बच्चों के लिए माशरे के लिए हर एक को माहौल बनाना पड़ता और फिर तस्वूर यह बात का है कि कौन सी उम्र में इल्म सीखना है स्ट्रक्चर तरीके में आज तक किसी को नहीं मालूम मतलब अपने लिए इंसान तस्विया करके है नहीं इस मामले के अंदर मैं कब बैठू मेरे लिए क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए मैं कौन सी किताब पढ़ू किससे पढ़ू कहां जाके पढ़ू कब पढ़ू कितने घंटे पढ़ू क्या पढ़ू कुछ नहीं चलते चलते व्हाट्सएप पे कुछ आ गया सीख गए वो दस लोगों को शेयर करो बोले दस लोगों को सही है कि बात गलत है कि गुमराई वाली है कि, कि किसके नाम की है कि फैलाते चले गए इल्म में तबलीग में सीखने में सिखाने में इंतहाई बड़ी गुमराही लेकिन साहबा का मामला क्या था ये गुमराही को फहम सलफ़ से दूर करना है सलफ़ गुजरे हुए लोग अल्लाह के नबी सल्लाम और साहबा कराम गुजरे हुए लोगों में सबसे पहली सफ़ में हैं। इन्होंने ये सही दीन सीखा अल्लाह के नबी सल्लाम से और सही दीन दूसरों तक पहुँचाया अब इनसे अगर दीन नहीं सीखा जाएगा तो वही गुमराही वाली बात होगी फिक्र उसम की साहब कराम को कब से थी जिंदगी के कई मामला साहब एकर की हम सुनते लेकिन तवज्जो नहीं देते जरा तवज्जो दीजिए एहसास होगा इस बात का कि किस दर्जे पर किस उम्र के हिस्से में आकर एहसास हो गया था यहां से उसूल इलम के लिए लगा देना है नौ साल की उम्र थी कितनी नाइन ईयर्स या मैक्सिमम दस ईयर किसकी अनस बिन मालिक रौदी अल्लाहन की सिबिन मालिक और दिन उनकी उमर नौ से दस साल की थी जब उनके वालदा अल्लाह के नबी सल वसलम की खिदमत में मदीने में लाकर छोड़ दिए यह कहकर के अल्लाह के नबी सल्हलम आपकी खिदमत में पेश करती हूँ खिदमत में पेश करने का सिर्फ मतलब ये नहीं था कि अल्लाह के नबी व की जरूरियात पूरी करते दे वहां से वो सामान लाओ उस आदमी को जाकर बुला कर लाओ सिर्फ ये मकसद नहीं था उसूल उसमी सल्ला वसलम की वफात तक नौ से दस साल अनिबिन मालिक अल्लाह के नबी वम के साथ रहे कई सौ अहादीस रिवायत

साहबा की फिक्र अपनी औलाद के उसूल इलम के लिए है कि मेरा बच्चा दीन सीखना तो नबी से सीखना नबी के अलावा किसी से नहीं सीखना वसल्लम उस दर्जे की सोचती उस दर्जे की फिक्र थी क्या पढ़ा रहे क्या बच्चों को आखिर नूरानी कायदे बच्चों की अब तक जो सो पढ़ने नहीं आ रहे नाजरा बच्चों का ठीक नहीं है कुरान मजीद तजवीज से पढ़ने के लिए बच्चों को नहीं आ रहा वालदेन कुछ नहीं आ रहा तो बच्चों को कहां से आएगा जहां मामला दीन की पढ़ाई का आ जाता कैलकुलेशन पांच सौ में कौन पढ़ाते 600 सौ में कौन पढ़ाते आठ सौ में कौन पढ़ाते वो आठ सौ में बेचारा कोई आके पढ़ा के जा रहा भी तो फिर उन्हें जाने के बाद आठ सौ दे के दस लोगों के सामने नाम रखना भी रहता पंद्रह मिनट पढ़ाते भाई आके आठ सौ में क्या पढ़ेगा बेचारा तुम दे रहे आठ सौ बीस मिनट पढ़ाने के लिए तुम दे रहे उतना वक्त ले रहे उसका कुरान सिखाने के पैसे लेने ना हो बल्कि आपके घर में जो 20 25 मिनट दे रहे हैं आप 30 मिनट दे रहे हैं उससे ज्यादा बिठा भी क्या कर सकते आप वो वक्त के पैसे दे रहे हैं आप उनको वो वक्त की कीमत दे रहे हैं आपको अगर मस्जिद में कोई इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं मोहदिन साहब अजा दे रहे हैं अजा की उजरत नहीं है इमामत की उजरत नहीं है नमाज रखाते चार पढ़ा के तीन नमाजें पढ़ा के उजरत नहीं ले सकता कोई लेकिन जिंदगी की मसुरत छोड़ के जो एक जगह वक्त दे दिया जा रहा उस वक्त की तनख्वाह दी जाती मोहसिन को आजाद की तनख्वाह नहीं दी जाती इमाम को नमाज की तनख्वाह नहीं दी जाती ये तो जायज ही नहीं लेने के लिए लेकिन वक्त जो दे रहे हैं अगर यहां पर आप अपने कारोबार को नहीं जाके अगर पांच वक्त की नमाज पढ़ना पड़े तो आप कहीं जा नहीं सकते वक्त एक तरह चले जाते फिर पलट के आपको आना पड़ता वो वक्त लिया जा रहा आपका क्या आप अपनी मसूफियत बीवी बच्चों के कमाने के लिए कहीं नहीं दे सक रहे हम आपके वक्त के बदले आपको उजरत दे देंगे आप ये खिदमत कर लीजिए हाइस्ट लेवल की फैकल्टी से गहरे इल्म रखने वालों से अपनी औलाद को इल्म सिखाने के लिए सोचिए और आज ऑनलाइन होने की वजह से जमाना मदनी कराम अवेलेबल है आपके बच्चों को तजवीत पढ़ाने में खुद जाता हूं तजवीत पढ़ा रही उतने बड़े लेवल के कराम वक्त दे रही और तजवीत पढ़ाना क्या अगर आधा घंटा आपके बच्चे से ऑनलाइन पे अगर खाली गुफ्तगु भी कर लिए आपके बच्चे के इल में निखारा जाता तजवीज बढ़ाते हैं। बढ़ाते कुरान कुरान के अल्फाजों में गौर हदीस की बात नसीहत की बात तरबियत की बात अपने बच्चों के लिए ऊंचे दर्जे के इल्म वाले लोगों से इल्म सिखाने की फिक्र कीजिए और खुद भी हम कीजिए और फिर दूसरी मामला बदबती का या कमजोरी का उम्मत के अंदर ओवरऑल लेवल पर अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर्ड तरीके से इलमी मजलिसों का कोई अहतमाम हमारे शहर में नहीं है स्ट्रक्चर तरीके से भाई इस मस्जिद में इस हलके में इस मस्जिद में फला अली साहब ये किताब का दर्श देंगे एक महीना दर्श चल रहा हफ्ते में चार दिन हफ्ते में पांच दिन पूरी किताब जाके वहां पढ़ो स्ट्रक्चर का तरीका हमारे पास नहीं है अब मैं दे रहा हूं बयान है सुन लिए चले गए तीस चालीस मिनट आप किताब कहां पढ़ रहे हैं अगर ये किताब है ये किताब को अगर आप किसी आलिम साहब से पढ़ रहे हैं ये किताब आपके हाथ में हो किताब उनके हाथ में हो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर तालीम अब आप बोलेंगे कोई भी नहीं दे रहना आप दियो आप अरेंजमेंट्स करिए आप को बुलाइए आप ऐसे जैसे को सेलेक्ट करिए आप ऐसी किताबें सेलेक्ट करिए से मजलिस में बैठिए दो से चार को मशवरे में लाइए क्या पढ़ाना इस इलाके के लोगों को और ऐसी किताबें पढ़ने के लिए सौ लोग नहीं आते दसबीज लोग ही रहते पढ़ने के लिए यह तस्वीर जो तैयार हो जाते अपने माशरे में ये लोग जो दीन का काम करते पूरी मजबूती के साथ एक जो सो माहौल तब्दील हो जाता अमामा शेख हुसैमिनला इनके उस्ताद शेख अब्दुल रहमान सादी रहम्ला तफसीर सादी मशहूर उस फिक पढ़ने के लिए इब्ने इबन हुसैमिन के साथ कई और उलमाए कराम भी बैठते थे शेख अब्दुलरहन सादी के पास एक एक एक, एक करते हुए बड़ा तवील महीनों तक वक्त चलता गया एक एक एक-एक, एक-एक करते हुए दूसरे सारे स्टूडेंट्स चले गए अहले इल्म की ये तड़प ये मोहब्बत और किसी बच्चे में इस बात की काबिलियत पा लेना सिर्फ अकेले इबन उसैमिन बचे और कई महीने तक शेख रहमान सादी सिर्फ इब्ने उसमिन को पढ़ाते चले गए हत्ता के जब सारा किताब खत्म हो गई तबला के पहली मरतबा इबन उसैमिन को रहमान सादी राहमल्ला ने एक सेब तोहफे में दिया अभी दोस्तों ये होता उसुल एक दो तीन लोग ही होते जो माशरे के अंदर उसूल एन तबलीग का काम बुराइयों को मिटाने में आम करने में मौजूद रहते क्या फिक्र थी अनसीब ने मालिक की मां की सोचिए कि नौ साल की उम्र में ले जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में छोड़ दी तो मतलब ये उस लेवल की जहानत थी अनसीब ने मालिक की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, की मुख्तसर बातों को समझकर लोगों में बयान भी कर सकते थे उसके माना समझ सकते थे उसके मफहम को समझ सकते थे उसकी तफसीर को समझ सकते थे आप तस्वूर करके थे कि आज भी अहिल अगर बैठते हैं कोई किताब लिखने के लिए और अल्लाह के नबीम की कोई एक हदीस ले लिए वो एक हदीस पे चार चार दिन का तर्ज दे सकते वो एक हदीस पे एक, -एक पूरी सौ सौ सबे की किताब लिख सकते अनसीब मालिक नौ साल की उम्र में इस जहानत को आ गए थे अल्लाह के नबी सल वसलम की मुख्तर बातों को समझने का वहम उनके पास था ये जरूरत है आयशा रौदी अल्लाह ना क्या है इनका मामला छह साल की उम्र में अल्लाह के नबी नबीम से शादी हुई और नौ साल में विदाई हुई अनसीब ने मालिक को भी नौ साल की उम्र में अल्लाह के नबी श्रम के हवाले किया गया हजरत आयशा को भी नौ साल की उम्र में विदाई करके अल्लाह के नबी वम की जिंदगी में जोड़ा गया ये नौ साल से लेके फिर इनके नौ साल जब अल्लाह के नबी वम की वफा थी तो अट्ठारह साल हजरत आयशा की उम्र थी सिर्फ नौ से दस साल के वक्फे में अढ़ाई हजार के करीब हदीसें आपको याद थी और ऐसे ऐसी हदीसें घर के अंदर की थी जिसका इल खोलफा को भी नहीं था तो लिहाजा किसी मसले में फतवा देने के लिए कभी हजरत आयशा की राय ले ली जाती थी इस मसले में तुम्हारे पास गुजिले में क्या यहां मौजूद रखे नौजवानों में आप देखिए नौ साल की उम्र से तालीम और तरबियत का आगाज कर लिया गया दस साल की उम्र से तालीम और तरबियत का आगाज कर दिया गया छे हिजरी अबू हरे छे हिजरी में इस्लाम किए हिजरी और अल्लाह के नबीम की वफात ग्यारह हिजरी में यानी दस हिजरी होने के बाद चार साल का वक्फा हदीस दोस्तों चार साल सिर्फ चार साल के अंदर चार हजार से ज्यादा हदीसों को याद कर लिए थे इतने छोटे से वक्फे में हाफिजे हदीस हाफिजे कुरान हदीस को समझाने वाले सिर्फ हदीस याद करना मकसद नहीं था अब हदीस को याद करना हदीस को लिखना प्लस हदीस का मफूम लोगों को समझाना यह काम था सिर्फ चार साल में करें इब्ने अब्बास तफसीर इबन अब्बास के बारे में आप पढ़िए कराम से सीखिए क्या है तफसीर इबन अब्बास हजरत उमर की हजरत अबू बकर की उम्र के मुकाबले में बहुत कम उम्र इबन अब्बास अरादी लेकिन कुरान की तफसीर कई आयतों के मामले में खुद साहबा कराम इबन अब्बास की राय को तस्लीम करके कहते थे अबनास की जो राय है हमारी भी वो राय है आप तस्वर करके देखिए एक तो माशरा कम उम्र से अपने बच्चों को बड़े बड़े लेवल के से, बड़े बड़े लेवल के इल्म वालों से इल्म सिखाना और फिर दूसरी बात क्या थी ये माहौल जो उसूले इल्म का साहबा कराम के अंदर था पूरी बस्ती पूसरा माशरा इल्म के अंदर घेरा हुआ था अल्लाह के नबी सी बीवी कौन हजरत आयशा शोहर नबी घर के बाहर निकल के अगर वालिद के घर जाते अबू पकड़ सिद्दीक साहबी सानिया सनैन अल्लाह के नबी सदम के बाद दर्जे में अगर कोई है उम्मत में तो अबू बकर सिद्दीक है इधर पड़ोसी का अगर उमर बिन खत्ताब इधर खाला साहबी इधर बूबू साहबिया इधर जो सो फूबा साहबिया इधर दीगर लोग साहबी साहबा की सारी रिश्तेदारी साहबात में है जिधर निकल के घर को चले जाते मेहमान चले जाते दावत में चले जाते बस्ती में चले जाते मस्जिद में आ जाते बाजार में चले जाते सिर्फ अहले इलमी उनको मिलते हैं जब उस इल्म का माहौल हमारे इलाकों में जब फैलेंगा तो अहल इल्म फैलेंगे दर्जे में चाहे इल्म में आगे हो कमतर हो जो भी हो लेकिन उसल इलम की तड़प रखने वाले जब हमारे माशरे में बनेंगे जाहिर बात एक दूसरे की असलाह होती रहेगी एक दूसरे से बुराइयों को दूर करने का काम होता रहेगा तो दी दोस्तों जरूरत सबसे पहले हमारी इस गुमराही को समझने की है कि आखिर इल्म हासिल करने के मामले में हम अपनी औलाद के लिए कब होश में आने वाले हैं अपनी ज़ात के लिए कब होश में आने वाले हैं नौजवानों का जिक्र कर दिया गया लेकिन नहीं सहाबा से दलील तो कम उम्र के साथ मिली और बड़े लेवल के जो सो इल्म के दर्जे रखने वालों के साथ इल्म सीखने की बात हुई है इस बात को समझेंगे तब तो हमारी बड़ी गुमराही माशरे से दूर हो सकती जब यह गुमराही दूर होंगी तो दूसरी दर्जे की जो गुमराही आज जो मत के अंदर है उसको समझने में आसानी होगी दूसरी गुमराह आज माशरे के अंदर यह फैली हुई है कि अपनी गुमराही को हिदायत समझ के बैठे हुए यह एक बड़ी गुमराही है अमल गुमराह कौन है अमल बातिल है अमल कुरान से हटके है अमल हदीस से हटके मगर अपने गलत गुमराह कौन अमल को हिदायत की बात समझ के अमल कर रहे हैं शियान की बात है सालों साल से नस्लें मातम कर रही उनकी नस्लें मातम कर दी जा रही लानत अपने ऊपर भेज ले रही लब्बे कह ले रहे कुछ भी कह ले रही लेकिन इनकी इस गुमराही को आज तक वो लोग हिदायती समझ रहे हैं उस पर अजर मिल रहा समझ रहे महाशरे में लोग फातिया की कि एक ऐसी बिदा को लेकर चले कि बस उस बिदा को आप कुछ बोल ही नहीं सकते इस नहीं को समझ के, के चल रहे मस्जिदें घरों के बाजुक हैं अजान तो थोड़ी अजान तो बहुत दूर तक चले जाती मस्जिद में इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं तो लोग घरों में आवाज जाती इतने ही है इतने करीबी घर हैं मगर मस्जिद को नहीं आने की जो गुमराई है इसको बड़े इतमान से हिदायत समझ के बैठे हुए अल्लाह गफूर और रहीम है बख्शने वाला है नमाजों से दूरी की गुमराही से दूरी की गुमराही बिता की जो सो गुमराही अपने जिंदगी के अंदर हालात का अगर जायजा लेंगे जहां जहां गुमराही दिख रही जमाने दराज से भाई लोग कर रहे ना आज कैसा आप इसको गुमराही बोल सकते वाह ये तो ये हो गया मैथ का फॉर्मूला माइनस इंटू माइनस प्लस दो माइनस के साइन वाली कोई चीज आ गई तो उसको उसूल बना दिए मैथ हो जाती गुमराही एक साथ दो सात से चार सात से पांच सात से छह सात से सालों से चल रही ना वल साहब तब तो यह हिदायत की बातें गलत नहीं हो सकती ये माइनस इंटू माइनस प्लस का मिजाज हो गया कौम का यह अल्लाह का दीन है ये की कलम पे चलाने वाले फॉर्मूले की बात नहीं आधी दोस्तों जहां इंसान गुमराही में लेगा माइनस ही माइनस होते चला जाता हर गुमराही माइनस करती कोई गुमराही जो एडिशन तो लाने वाली नहीं है तुम्हारे लिए तो इस बात को समझने की जरूरत है हमारी गुमराही को आखिर कब हम समझेंगे कि गुमराही है सिर्फ गुमराही को हिदायत समझ के अमल करते चले जा रहे हैं इसकी वजह क्या है पहली गुमराही इसकी वजह है कि उसूल एलिम की तरफ जैसे रगबत हमारी नहीं हो रही इल्म के लिए हम कोशिश आगे नहीं कर रहे हैं ना अपने बच्चों के लिए ना खुद अपनी जात के लिए ना बड़ों के लिए माहौल में मसाजिद मदारिस में अहल इल्म तो मदारिस में उलमा को तैयार कर रहे लेकिन आम आवाम का जो बड़ा तबका है इनके लिए इंतजाम किया है जमीयत और जमातों की जिम्मेदारी क्या है वो अहल इल्म जो बस्तियों में लोगों के साथ रह रहे हैं मसाजिद में रह रहे हैं आपकी बड़ी जिम्मेदारी क्या है मस्जिद कमेटियों की जिम्मेदारी क्या है मस्जिद बड़े बस्ती के अहदेदारों की जिम्मेदारी क्या है सो बेपरवा है क्या हाल है आप देखिए क्या हाल क्या है नबी के खाली जो जो सो खाली जलसे मिलादी और रैलियां वगैरह निकले सबको गुमराई का अंदाजा हो रहा गाड़ियां उछालने वाले कौन नौजवान अरस लगा के घुमरे वाले कौन नौजवान शिर के अल्फात पे खुशी से झूमने वाले कौन नौजवान वजह क्या है उसूल इल्म नहीं है। क्या है गुमराही को हिदायत समझ रहे वजह क्या है इनके लिए इंतजाम नहीं किया जा रहा उसूल का अल्लाह के रसूल सल्ला हदीस में फर्मा लोगों को नेकी का हुक्म देते रहो लोगों को बुराई से रोकते रहो वरना अगर तुम ये काम को छोड़ दोगे तो अल्लाह की तरफ से मौत से पहले उस खाम पे अल्लाह का आजाब आ सकता है और फिर मामला ये हो जाए कि तुम दुआएं करते रह जाओ लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल होने वाली नहीं अजाब तलने वाला नहीं रब के फैसले टलने वाले अल्लाह के आजाब को दावत देने वाला यह मामला है कि माशरे में उसूल इल के काम को छोड़ देना चंद लोगों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा उठना पड़ेगा कमर वस्ता होना पड़ेगा अहले इल्म की मदद करना पड़ेगा वो इल्म देंगे इंतज़ाम करना आपकी जिम्मेदारी है मसाजिद कमेटियों की जिम्मेदारी है बस्ती में मोरी भर गई तो चार लोग जमा हो जाते बस्ती में सीटें लग रही तो चार लोग जमा हो जाते लेकिन उसी बस्ती के नौजवानों के लिए उसी बस्ती की औरतों के लिए उसी बस्ती के बच्चों के लिए उसी बस्ती के बड़ों के लिए उस इल्म का कोई इंतज़ाम नहीं है तेरे अमीर माल मस्त तेरे गरीब हाल मस्त तो उसले इल्म कब हासिल करना किससे हासिल करना क्यों हासिल करना ये फहम नहीं है ये गुमराही है फिर दूसरी बात ये कि हमारी गुमराहियों को हम हिदायत जो समझ रहे हैं वो इस गुमराही का एहसास मुझको और आपका ना जरूरी है और तीसरी अहम बात अजीज दोस्तों उस वक्त तक मुझको और आपको हमारी गुमराही गुमराही है एहसास नहीं होगा इस बात को दरा तवज्जो से लीजिए उस वक्त तक मुझको और आपको मेरी और आपकी गुमराही गुमराही है एहसास नहीं होगा जब तक के मेरे और आपके अंदर हमारी नस्लों के अंदर माशरे के अंदर इस दीन को पहुंचाने वाले सहाबा कराम का मकाम और मर्तबा जब तक नहीं समझेंगे तब तक गुमराहियों को मत नहीं समझ सकती जब तक के हमारे अंदर সাহাবা ইকারাম কা মাকাম উনকা মারতবা উনকি আজমত হামারি জিন্দেগি মে উনকা রোল দীন শিখনে মে উনকা রোল কুরআন মজিদ হিফজ karne মে উনকা রোল কুরআন মজিদ কি ইবাদত মে উনকা রোল হাদিস কি ইবাদত মে উনকা রোল কুরআন ও হাদিস কো আমানতদারি কে সাথ লোগো তক পহুंचा dene মে উনকা রোল জাবতক হামে एहसास নেহোগা তবতক গুমরাহি খম ਸਮজ হি নেহী سکتی ਸਮজি দে sakte সাহাবা কা মাকাম ও মারতবা ऐसे ऐसे लोग आज धज्जियां उड़ा रहे हैं साहब कराम की अजमत की साहबा कराम की अहमियत को मुसलमानों के दिलों से खत्म करने की साजिश साहबा कराम के इल्म उनके अकीदे उनके अमल को लोगों से दिलों से खत्म करने की जो साजिश है इसको बस हम सुनते चले जा रहे हैं उनकी गुमराही में आते चले जा रहे हैं उस वक्त तक गुमराही हमारी गुमराही है एहसास नहीं होगा जब तक के साहबा की अजमत हमारे करीब समझने आ जाए

बनी इसराइल मतलब अहले किताब के दर्जे को बुलंद बता रहा था बनी इसमाइल मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की जो अहमियत को घटा रहा था अल्लाह अज़्ज़ा व जल जवाब दे रहे हैं फ़ाइन आमनु बिमिथली मा आमन तुम भी ही फ़कद जिस बनी इसमाइल पर उंगली उठा रहा था मोहम्मद शेख उसी बनी इस्माइल की अजमत बताते हुए अल्लाह तला कह अहले किताब तुम जब तक इन बनी इस्माइल के सिलसिले में आए हुए लोग साहबा कराम बकर उमर और उस्मान और अली और दीगर साहबा इनके मर्द और औरतों की तरह उस वक्त तक ईमान नहीं लाओगे उस वक्त तो तुम ईमान वाले हो ही नहीं सकते और अगर तुम इनकी तरह ईमान लाते साहबा कराम की तरह दीन को समझते कुरान को समझते फेम को समझते तो हिदायत पा गई अगर इनकी तरह दिन को नहीं समझा जा रहा इनके अजमत और मकाम और मर्तबे को नहीं समझा जा रहा हिदायत नहीं तब तुम अपनी गुमराही को हिदायत समझ के रह जाओगे हिदायत कभी तुमको मिलने वाली नहीं है उम्मत के अंदर आज जरूरत है अलिया अल्लाह की मकाम वलियों का मुकाम कुछ भी होगा लेकिन औली किसी दर्जे से भी सहाबा की टक्कर नहीं ले सकते वली किसी दर्जे से भी सहाबा की टक्कर नहीं ले सकते आखिरी दर्जे पे सहाबा की टक्कर नहीं ले सकते मुफ्ती आखिरी दर्जे पे सहाबा की टक्कर नहीं ले सकते उस मकाम को समझेंगे तो अपनी गुमराही गुमराही है उस बात का एहसास होगा पुराने मजीद मल्ला ने मजीदरछा फर्मा الذين الذين يغضون عند رسول الله الله قلوبهم لهم किसी के लिए नहीं है। इस आयत में अल्लाह इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह कर लिया रिजल्ट देख लिया रिपोर्ट कार्ड भी अदा कर दिया गया तकवा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग हैं साहब कराम जो नबी से बड़ी ही पस्त इज्जत की आवाज में बात करते हैं लम तुल तकवा अल्लाह ताला इनके दिलों के तखबे को आजमा लिया इम्तिहान ले लिया किसका सहाबा कराम का अरे जिसके तखबे का इम्तिहान लेने के बाद अल्लाह तला करें लहुम मकफफिरतूं अजुन अजीब इम्तिहान लेने के बाद इनकी मकफिरत का फैसला हो गया इनके लिए अजर अदीब का फैसला हो गया और उम्मत आज इनको छोड़ के किसी और से दीन सिकरी हिदायत नहीं मिल सकती सिवाय गुमराही के अभी दोस्तों गुमराहियों को अगर एहसास करना है जरूरत है कि साहब कराम के मकाम और मरतबे को समझना अकीदा सीखने में साहब कराम इबादत में सहाबा कराम इलम सीखने में सहाबह कराम दीन सीखने में सहाबा कराम क्यों ना हो कि अल्लाह ने खुद इनके बारे में रशायत फरमा वल्लिन जो कोई सिद्ध दिल के साथ इनके नक्शे कदम पर चलेगा रन अल्लाह इनसे तो राधी हो चुका जो इनके नक्शे कदम पढ़ चलेगा अल्लाह उनसे भी निदा का ऐलान करता है कैसे लोगे भाई लम तहनू उमलित तकवा दिलों के तकवे को अल्लाह तला जाँच लिए इनके दोस्तों ये साहब कराम हैदीस में अल्लाह के रसुल्ला फरमाया, सारे जमाने में आप किन किन से दीन सीखना चाहेंगे किन किन की गुमराही को आप हिदायत समझ रहे अल्लाह के वसल्लम फरमाते हैं साहब इकराम से किस नबी सलम से किसी ने साहबा में से पूछा कौन से लोग अफजल हैं अयी खैर नास पूरे इंसानों में अल्लाह अकबर या अय से मुराद फ्यूचर टेंस भी है फ्यूचर में भी आने वाले जमाने में भी जो इंसान आएंगे उसमें सबसे खैर कौन है बाकी रहने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा करनी मेरे जमाने के लोग सबसे बेहतर लोग हैं और आपके ज़माने में ईमान वाले कौन है सहाबा कराम इल्म सीखने में अमल में अकीदे में इबादत में मामला में अल्लाह के दीन को महफूज रखने में पहुंचाने में माशरे को बनाने में उसूल इल्म के तबलीग में दिन की बात पहुँचाने में अमल करने में असलाह करने में कौन करनी मेरे जमाने के लोग फिर कहा सुमल और जो इनसे दीन सीखेंगे फिर उसके बाद उनका दर्जा आ जाएगा हत्या के ये जो साहबा के शागिदे उनसे जो दीन सीखेगा वो भी मरते हुए वाला हो जाएगा ये मकाम और मरतबा का जब तक हम नहीं समझेंगे तो फिर इनको उनको लोग जो सो वली बना के आपके सामने ये भी बोल देंगे दस्तगीर से मुराद नाउस बिल्ला ये है कि अल्लाह वजल का हाथ जब अल्लाह फिसल रहा था कोई पकड़ लिया नाउस बिल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह की पनाह है ये बात के ऊपर अजाब आने के लिए अल्लाह अकबर खौम को एक हद तक ऐसी गुमराही करते रहे अब कौम में होश आ रहा उतर गए फिर झंडे नीचे मगर गुमराही तो कौम में चलती रहेगी जब तक के सहाबा की अजमत और मकाम को नहीं पहुंचाते तो हदीसें पेश कर दू उसके बाद अपनी जगह लूं अहम बात है मौजूदा जमाने में आज कौन गुमराह है अगर आपको आसानी से पता चलना है ये तीन बुनियादी उसूल जो हदीस में आ रहे हैं आप समझ लीजिए कौन गुमराह है आज कोई भी बड़े से बड़े दर्जे के अहले सलफ में से भी हेलह हदीस में से भी साहबा के मकाम और मरते को पहुंच सकते यकीदा है कोई नहीं पहुंच सकता अब अगर कोई हमारे माशरे में छोला पहनकर कारी पगड़ी पहनकर जो पहले इंजीनियरिंग सीखा बाद में जो सो दिन के किताबों को हाथ में उठाया उसकी सबसे बड़ी गुमराही पहले इंजीनियर बन गया तो नटा बोलता खुलने की आदत है उसको तो हर जगह दिन में वो पाने चलाने को देख रहा गुमराह ही लोगों में फैलाते चले जा रहा तो उसके लिए बुनियादी जरूरत यह कि आज जमाने में गुमराह कौन है यह समझने का उसूल जमाने के अंदर बड़े से बड़ा मुतकी साहबा के लेवल को ना इल्म में पहुंच सकता ना ईमान में पहुंच सकता ना फहम में पहुंच सकता ना उसूल इल्म में पहुंच सकता ना तबलीग में पहुंच सकता गुमराह कौन है आज अगर जमाने के अंदर उठकर मेरे और आपके सामने अगर कोई उठ के कह रहा है फला साहबी का अमल देखो फला साहबी के बारे में देखो साहबा की अजमत को जो गिरा इसकी औकात तो साहबा के दर्जे की हो ही नहीं सकती लेकिन सहाबा की अजमत को गिरा रहा जमाने का सबसे बड़ा गुमराह यही है आपके सामने सिर्फ सहाबा की अजमत को नहीं सहाबा की अकीदे को सहाबा की इबादत को सहाबा के इल्म को साहबा के फहम को सहाबा के मनज को साहबा की तफसीर को साहबा के दीन सीखने के मिजाज को अगर कमतर करके बता रहा दूसरे के मुकाबले में जमाने का सबसे बड़ा जाहिल और गुमराह यही है ऐसे लोगों से बचिए हदीस हदीस तो है हसन इबन अली रौदी की अजमत पे लेकिन वहाँ सहाबा का मनज सीख के ये जहनों में अपने बात बता लीजिए गुमराह हमारी निगाहों में ये आदमी होना चाहिए अबू हरे हदीस के राही हैं रिवायत करते हैं सही बुखारी की फाइव डेट फोर हदीस के एक बयान किया कि मदीने के बाजारों में से एक बाजार में रसद वसम के साथ मैं था कौन थे अबू हरे रावी हदीस मनज साहबा गुमराहों को कैसा चुनना देखिए तरीका नबी करीम वसल्लम वापस हुए तो मैं फिर आप सल्लल्लाहु वसल्लम के साथ वापस हुआ फिर आप सल्लल्लाहु अला ने फरमाया बच्चा कहां है ये आपने तीन मरतबा फरमाया हसन इब्ने अली रौदी को बुलाओ हसन बिन अली रौदिया आपके नवाज़ से आ रहे थे और उनकी गर्दन में खुशबोदार लौंग वगैरह का हार था नबी करीम वसल्लम ने अपना हाथ इस तरह फैलाया कि आप हसन को गले लगाना चाहते हैं और हसन और भी अपना हाथ फैलाया और अल्लाह के नबी सल वसलम से आकर लपेट गए हदीस का टॉपिक कुछ हो गया लेकिन आखिरी मतन बड़ा है मैं दोनों गले मिले फिर आप फरमा ये मकाम वो मर्तबा साहबा में से हजरत हसन का है लेकिन यह हदीस उसूल दे रही है कि गुमराह कोने पहचान लो फरमाया आप वसल्लम ने अः अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूं अल्लाह तू भी हसन से मोहब्बत करना और अल्लाह उनसे भी तू मोहब्बत कर जो हसन से मोहब्बत करे ये मतन हो गया रावी हदीस कौन है हुरैरा अब जब हदीस सुने तो अल्लाह की मोहब्बत की दुआ अल्लाह के नबी सलम करे तो मनस तो बताना ही है यह फहम साहब कराम का अबू हुररा का यह जो जुमला है जमाने के अंदर चुन चुन के आप गुमराहों को निकाल सकते हैं कि ये आदमी गुमराह इसका बयान नहीं सुना जाएगा ये आदमी गुमराह है इसकी तफसी नहीं पड़ी जाएगी ये आदमी गुमराह इससे हदीस को नहीं लिया जाएगा अबू अबोहुरेरा कहते हैं बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनने के बाद कोई भी कायत के अंदर मेरे करीब हसन बिन अली से ज्यादा महबूब नहीं बाकी रहा नबी का हुक्म आया क्या हुक्म आया हसन बिन अली से जो मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करे तो हजरत अबू ने कहा आप कायनात में सबसे ज्यादा महबूब मुझे नबी के बाद ज़ाहिर हसन बिन अली हो गए उसो, मनज क्या मिला मनज ये मिला कि अकीदे में इबादत में मोहब्बत में अमल में साहबा जिस चीज को अपना ले सहाबा का इजमा जिस पर हो जाए नबी का फैसला जिस पर हो जाए तो सहाबा का इत्तेफाक हो गया उस बात को अपनाने के लिए आज जब सारे साहबा ने हसन बिन अली से मोहब्बत का दावा कर लिया अब कायनात के अंदर जख्यामत तक आने वाला साहबा के दर्जे का तो नहीं हो सकता हो सकता क्या हरगिज नहीं हो सकता लेकिन अगर वो हसन बिन अली से नफरत करे तो हिदायत वाला होगा गुमराह होगा सबसे बड़ा गुमराह होगा हो तो इस हदीस से दूसरी हदीस को अब्दुल्लाबिन उमर की आपके सामने पेश करना मकसद है कि कैसे गुमराहों को पहचाना जाए अब्दुल्लाबिन उमर के बाद एक शख्स आए कहते हैं कसरत रिवायत में कि भाई ऐसी जहानत ऐसा फहम कम टाइम पीरियड में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजारों हदीसों को याद कर लेना तहजुब होता था साहबा को कैसी कैसी हिफात हिफे हदीस का मरतबा अल्ला ने इनको अता कर दिया तो अब्दुल्लाजरत उमर हजरत उमर के बेटे से आके एक शख्स पूछते हैं इतनी रिवायात जो करते हैं हजरत अब आपका क्या ख्याल है इसके बारे में मतलब कभी-कभी बात आ जाती क्या कभी कभी ये गलत बात कहती अल्लाह के नबी नबीम की बात दाते क्या इधर हजरत हसन के ऊपर सारे साहबा का इजमा अब इधर हजरत अबू रहा पे बात हो रही तो फिर हजरत उमर के बेटे से पूछा जा रहा है इतनी ज्यादा रिवायत करते हैं क्या ख्याल है उमर अब्दुल्लामर कहते हैं खबरदार खबरदार हो जाओ अबू हो रहे जो कुछ भी अल्लाह के नबी सलम से पेश करते हैं अगर तुम्हारे दिल में रत्ती बराबर भी उस पर शक आ गया तुम्हारे लिए हलाकत है दुनिया और आखिरत के अंदर गोया अबू होरेरा के ऊपर उनकी हदीस जमा करने पर सहाबा का इजमा थाने था और आज का सबसे बड़ा मुत्तकी सहाबा से टक्कर ले सकता अमल अकीदे में नहीं तो जब सहाबा का इजमा अबू होरेरा पे हो चुका आज के जमाने का सलमान नदवी उठ के अगर आपको कहता है अबू हुरैरा अल्लाह के नबी वसल्लम का दरबारी था तो गुमराह कौन है सलमान नदवी गुमराह है जिस बात पर अब्दुल अब्दुल्ला उमर अब खत्ताब का इत्तेफाक है अरे उस पर सलमान नदवी का इत्तेफाक नहीं है जिस बात पर अमीर माविया पर के वो कातिबी ने वही है सहाबा का इजमा थाने था न था सूरे तोबा की आयतें बयान करने वाले अमीर माविया के बाद से बात लिए ले लिए तो अमीर माविया की मोहब्बत पर जब साहबा का इजमा था इंजीनियर मिर्जा उठ के ये कहता है कि माविया अगर हम तुम्हारे जमाने में होते तो जरूर अली के साथ मिलकर और आज हम तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाते अल्लाह अकबर अल्लाह की लानत वाली बात है वसूल करने की उसकी तो हदीस में साहबी के दर्जे से बात आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी साहबी से ताबई के दौर में लोगों की मुलाकात हुई तो लोगों की मुलाकात हुई तो साहबी से लोगों ने कहा मुबारक मुबारक हो उन दो आंखों के लिए जिसने अल्लाह के नबी वसलम को देख लिया बड़ी बरकत वाली बात है अब्दुलरहमान बिन जुबैर अपने वाली से रिवायत करते हैं एक रोज लोग अल्लाह के पास बैठे थे एक आदमी उनके पास से गुजरा और कहने लगा मुबारक हो मकदाद उन दो आंखों को जिन्होंने रसुल्ला की जियारत का शर्फ हासिल किया विरजर इंजी ना सुन ले तेरी जबान से जो गुमराई वाली बात निकली है काश हम उस जमाने में होते किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं काश साहबा के जमाने में होता है सोचने की भी गुंजाइश नहीं है तस्वुर भी नहीं कर सकते तुम कहा उसने शख्स ने काश हम भी वो देखते जो तुमने देखा और हम भी वो जद्दोजहद में शरीक होते जिसमें आप शरीक थे मतलब क्या था हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काश होते साहबी का कौल मनज हजरत मकदाद और सुनकर क्या हो गए गुस्सा आ गया आपको अल्लाह अकबर गुस्सा आ गया इंजीनियर सुन बर्दाश्त की बात नहीं थी सहाबा के लिए मुझे इस बात पर बड़ा ताजुब हुआ कि उस आदमी ने तो अच्छी बात कही थी लेकिन हजरत मेकदाद के गुस्से से मुझे दो सौ ताजुब हुआ आखिर उस आदमी को उस जमाने में पैदा होने की ख्वाहिश क्यों हुई जिसमें अल्लाह ने उसे पैदा नहीं फरमाया ये नहीं जानता ये अगर उस जमाने में मौजूद होता तो उसका मामला कैसा होता अल्लाह की कसम रसूल रसुल के ज़माने में कितने लोग ऐसे मौजूद थे जिन्हें अल्लाह ने मुंह के बल जहन्नम में गिरा दिया हो गया अबू जहल भी था अबू ताली भी था अबू लहब भी था अब्दुल्ला बिन सलूल भी था मुनाफिक की जमात थी तू किधर होता था तो सहाबा का जिस अकीदे पे जिस इल्म पे, जिस मनज पर जिस कुरान के फहम पर जिस हदीस पर इजमा हो जाए जमाने के अंदर अगर कोई उठ के आज आदमी सहाबा के इल्म उनकी उनके अकीदे उनके फहम उनकी नमाज उनका इफ्तार उनका सहूर उनकी नमाजें उनकी इबादतें उनकी तरावई किसी पर भी उंगली उठाता है जिस पर तमाम सहाबा का इजमा है वो आदमी जमाने का सबसे बड़ा गुमराह ऐसे लोगों से इल्म हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा तो जमाने का सबसे बड़ा गुमराह वो है जो ऐसे गुमराहों से इल्म हासिल करे जो सहाबा के अकीदे की खदर नहीं रखते সাহাবা কে ইলম কি খদর নে রখতে সাহাবা কি ইবাদাতوں কি খদর নে রখতে কি যে সাহাবা কে तमाम উমুর পে খু সাহাবা কো ইজমা تھا মওরুদা জামানে কা সবসে বড় মুততকি সাহাবা কা মুকাabla নেহি কর sakta লেকিন আফসোস সাহাবা কে ইলম অর মামালাত পে উংলি উঠারা তো ইয়ে গুমরাহী হ্যায় সবসে বড়ি অর গুমরাহ হোনে কা দাওয়া ইলান কর রা হাদিস দোস্তো ইয়ে তিন বুনিয়াদি বাতেন জো আপকে সামনে পেশ করনা থা আল্লাহ তাআলা হর কিসম কি গুমরাহী সে হাম तमाम কো বচালে ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নবীনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া मजीद और मुक्रीन के बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जजाकुल्ल